अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको केमिस्ट्री मॉडल पेपर जो है, जो नया पेपर पैटर्न आया है 2023 का, वो मैं आपको समझाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से सॉल्व होगा और कितना लंबा आपको जवाब लिखना है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर SSC एनुअल एग्जामिनेशन 2023 केमिस्ट्री थ्योरी पेपर 2 क्लास 10 साइंस ग्रुप। ये जो मॉडल पेपर है, पेपर आपका आएगा, उसका टोटल मार्क्स जो है वो 60 है, 60 नंबर का आपका पेपर होगा और आपको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे, टाइम 3 आवर्स है। सेक्शन ए 20% मार्क्स सेक्शन ए से आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQs होंगे सेक्शन ए में जो 12 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 12 MCQs होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में और हर एक MCQs एक नंबर का होगा। सेक्शन बी से 40% मार्क्स का सेक्शन बी आपका आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 24 मार्क्स के हैं, ठीक है। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 13 तक का जो है वो आपका सेक्शन बी है। आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आपको इस सेक्शन में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के कितने नंबर हैं, 3 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो आपका सेक्शन बी है। उसके बाद जो है आपका सेक्शन सी है, सेक्शन सी से जो है 40% मार्क्स जो है वो सेक्शन सी से आएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस हैं और इसमें जो है 24 मार्क्स का जो है वो आपका सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको कोई 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, हर जो क्वेश्चंस हैं वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 19 तक का जो है वो आपका सेक्शन सी है। तो आज जो है मैं आपको जो है क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो है वो सॉल्यूशन बताऊंगी कि किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और जो है ये कितने नंबर के हैं आपके पेपर में, आपको हर क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है, ये पूरा सॉल्यूशन जो है मैं आपको आज प्रोवाइड करूँगी। नरेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं ट्रोपोस्फेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर क्या है और स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, आपको इस तरह से 2 कॉलम्स बनाकर डिफरेंसेस लिखने हैं। ट्रोपोस्फेयर इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, सतह ज़मीन का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जबकि स्ट्रेटोस्फेयर इट इज़ द सेकेंड लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है उसकी जो सेकेंड लोएस्ट लेयर है उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं और जो सबसे लोएस्ट है उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और सेकेंड लोएस्ट को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इट स्टैंड्स एट अ हाइट ऑफ अराउंड 11 किलोमीटर अबाउट सी लेवल, जो हमारा सी लेवल का मतलब होता है सतह समुंदर, ठीक है। सतह समुंदर से 11 किलोमीटर की बुलंदी पर वाकई है, ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है, सतह समुंदर से 11 किलोमीटर की बुलंदी पर है, ठीक है। जबकि स्ट्रेटोस्फेयर इट राइजेस अप टू 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो सतह समुंदर से 50 किलोमीटर की बुलंदी पर है। इट मेक्स अप अबाउट 75% ऑफ द मास ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर क्या है, हमारे जो एटमॉस्फेयर का जो मास है कितना बनाता है, अबाउट 75% बनाता है, ठीक है। जबकि स्ट्रेटोस्फेयर जो है इट हैज़ फार लेस अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर दैन ट्रोपोस्फेयर, इसका जो मास है वो ट्रोपोस्फेयर से कम होता है। अच्छा, अब आपके पास जो है मॉडल पेपर का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है राइट डाउन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी, आपके पास ये बैलेंस्ड इक्वेशन है रिवर्सिबल रिएक्शन की, ठीक है। इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, जो दोनों डायरेक्शंस में होते हैं, डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं, ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला एरो बैकवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केसी से। केसी जो है उसका फॉर्मूला है, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है उसमें दिया हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन हो रहा है और ये आपस में मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट है, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NO2, ये हमारा
प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो ये है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, जैसे कि आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोडक्ट में हमारे पास NO2 है, NO2 लिखेंगे, और इसी तरह से आप मिडिल ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो कोफिशेंट होता है इस कोफिशेंट को आप पावर की तरह के तौर पर टाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारे पास अगर दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों रिएक्टेंट को हम बीच में प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, दोनों रिएक्टेंट को अलग अलग ब्रैकेट में शो करेंगे। नाइट्रोजन है हमारे पास एक रिएक्टेंट N2, और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन O2। अच्छा, ऑक्सीजन से पहले कोफिशेंट क्या है, 2 है, इस कोफिशेंट को भी हम पावर के तौर पर शो करेंगे, यहाँ पर O2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। यहाँ तक आप सबकी समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन का है, इसकी भी हमें KC फाइंड आउट करनी है, तो इसमें भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, 2HI, ये हमारी प्रोडक्ट है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। और ये जो कोफिशेंट 2 है इसे हम किस में लिखना है, पावर में, जो भी कोफिशेंट होगा जब हम KC की वैल्यूज में पुट करेंगे तो हम उसे पावर के तौर पर शो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन है और आयोडीन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो हाइड्रोजन लिखेंगे हम रिएक्टेंट में H2, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है, आयोडीन, ठीक है, तो यहाँ पर I2 आ जाए, सही है। इसी तरह से हम तीसरी इक्वेशन भी सॉल्व, हमारी जो तीसरा जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है तो प्रोडक्ट की जगह हम प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे CO and H2O, बीच में प्लस का साइन नहीं लगेगा, ये दोनों बीच में हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में शो करेंगे, दो प्रोडक्ट बन रही है ना, तो हम दोनों प्रोडक्ट्स को अलग अलग ब्रैकेट में शो करेंगे। उसके बाद रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है रिएक्टेंट हमारे CO2, और क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको पेपर में बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करने हैं, आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है और फिर फॉर्मूले के बाद आपको उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है।